आपने स्नेक तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन क्या आपने डबल हेड वाला स्नेक देखा है? यह स्नेक इतना रेयर है कि दुनिया में बस कुछ ही बचे हैं। दो मुंह वाला सांप फ्लोरिडा के पाल्म हार्बर में पाया गया। इस सांप को 22 फुले के नाम से भी जाना जाता है। इनके दो सिर तो है, लेकिन इनके पेट एक ही है। ये दोनों सिर अपना अलग अलग भोजन करते हैं। इनमें से किसी एक का भोजन जल्दी खत्म हो जाता है तो ये दोनों एक दूसरे पर अटैक भी कर देते हैं। यदि इनमें से कोई एक खाता है और दूसरा नहीं खाता है तो न खाने वाले के लिए भी भ्रम पैदा होता है कि उसने खा लिया है। उसका भरा भरा पेट महसूस होता है। इनके पास दो दिमाग होते हैं और दोनों अंदर जाने के लिए निर्देश देता है। इसी भ्रम के कारण इनका अक्सर परिणाम एक दूसरे के घसीटना होता है। इस दो सिर वाले सांप को जंगल में जीवित रहना काफी मुश्किल होता है, लेकिन इसको कैद में रखकर इसका देखभाल करने पर यह 20 साल तक जीवित रह सकता है। इसके दोनों सिरों में से दाहिने ओर वाला सिर प्रमुख होता है और ज्यादातर यही निर्णय लेने वाला होता है। इसे चिड़ियाघर में प्रदर्शन के तौर पर रखा जाता है और इस स्नेक की कीमत की बात करें तो लगभग 1 करोड़ है और किसी किसी का तो 1 करोड़ से भी ज्यादा है। पर आपको यह सांप देखकर कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने इससे पहले डबल हेड वाला स्नेक देखा है और आपको किस तरह के स्नेक देखना पसंद है कमेंट में जरूर बताइएगा।